डेट वाइज जब जब आउटब्रेक हुआ है वायरस उसको हम आगे देखेंगे। उसके पहले मैं आपको शनि स्रोत बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के लिए कौन सा ग्रह जो है वो देखा जाए। तो मैंने मैंने ये शनि स्रोत पढ़ा, बाकी सब ग्रह के भी स्रोत पढ़े, तो कोई भी स्रोत में इतना खास नहीं लिखा गया था लॉकडाउन के बारे में, या तो उसके कोई संकेत नहीं थे, क्योंकि सभी ग्रह के अलग अलग निमित्त है। तो पर शनि जो ग्रह है उसके एक स्रोत में मुझे मिला कि लॉकडाउन हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो राजा दशरथ है उन्होंने शनि के बारे में कहा है, कोणंतको रौद्रमोख बभु कृष्ण शनि पिंगल मंद सौरी। कोणंतको यानी कि अपनी आप को देखना यानी समझना, जो हमें अपना आईना बताए वो आप शनि हो, आप रुद्र स्वरूप हो, आप कृष्ण हो और पिंगल मंद हो, धीरे धीरे काम करते हो लेकिन अचूक ही आप आपके आप जो है वो पीड़ा देते हो। आप सुर देवता हो, असुर असुरों को, किंग पुरुषों को, लीडर्स गणेंद्रों को, गंधर्व है, विद्यास्वर है, पन्नगाश्वर है यानी गंधर्व संगीतकार जो भी है या तो गायक है, जो भी कलाकार है, विद्याधारक है, उनको भी आप पीड़ा करते हो और कोई भी स्थिति में पीड़ा करते हो। नरा नरेंद्रा पशु मृगेंद्रा वन्यास्व चे कीट पतंग भृंगा। आप न, न, राजा से, पशुओं से, पक्षियों से, वन्य से, कीट पतंग भृंगा से किसी भी स्थिति में आप कैसे भी पीड़ा दे सकते हो। देशास्व दुर्गाणानी वनानी यत्र सेनानी वेशे पूर्पतानाति। आप देश को, पूरे देश को, पूरे दुर्ग को, पूरे वन को, पूरी सेना को पूर्पतानाति यानी पूर यानी हम लोग देखते हैं जैसे सीतापुर गीतापुर, तो ये सब पूर है यानी कि नगर यानी कि सिटी। तो यहाँ पे पूर्पतानि का मतलब है नगर को भी आप विनाश कर सकते हो, नगर को भी बंधक बना सकते हो। प्रणांति मंत्र निर्जवासरे चस्मै नमः श्री रविनंदनाय। प्रयाग पुले यमुना तटेज सरस्वती पुण्य जल गुफा माय। यो योगिना ध्यानातोपि सूक्ष्म तस्मै श्री नमः रविनंदनाय। आप प्रयाग की किनारा हो कि यमुना किनारा हो कि सरस्वती जल की पुण्य गुफा हो, कोई कितनी भी पवित्र जगह हो, कितने भी योगी हो, आप उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में भी पीड़ा दे सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है वैसे ही कि जो शनि है जब भी वो तय करता है कि अभी आपको कर्म का फल मिलने वाला है, तो वो कोई भी आप कितने भी महान हो, आप कोई भी स्थिति में हो, आप कोई भी सिटी में हो, और या तो पूरी सेना की सेना और सिटी की सिटी, उनको भी आप कर्म का फल देते हो। तो शनि के जो कर्म फल से बचना है तो उसका भी उन्होंने दिया है, सष्टांग स्वयंभू वनस्तस्मै त्राता हरि संहरते पिनाकी एक स्त्रीधा ऋग्युजु साम मूर्ति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। अभी रवि जो शनि है उन्हें शंकर की उपासना के लिए बुलाया कि शंकर भगवान जैसे सिंपल तरीके से रहते हैं, एक स्त्री और जो सिंपल तरीका जो है योग ध्यान, और वो सरल परिस्थिति में अगर आप रहते हो तो आपको शनि जो है वो कम से कम कष्ट करेगा लेकिन कम से कम करेगा, क्योंकि शनि जो है वो उसको तीनों वेदों का ज्ञाता बोला गया है। तो जिसे वेद आता है वो ही किसी को दंड दे सकता है, तो शनि जो है उनको वेदों का स्वामी भी कहा गया है और इसीलिए वो गुरु की गुरु या तो यम की जो न्यायमूर्ति है उसके लिए भी वो कहा गया है। तो इसलिए वो कष्ट तो देगा लेकिन जितना आप सरल रहोगे उतना आपको कष्ट कम होगा। तो ये हम शनि स्रोत में से देख सकते हैं कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये शनि दर्शाता है। तो हम इसलिए शनि को ध्यान में रखते हैं कि शनि राहु, शनि गुरु और शनि गुरु राहु केतु के संबंध हुए हैं कि नहीं।